कभी कभी आपका सात्विक चिंतन भी आपकी क्रियाशीलता में बाधक हो सकता है। जो आपने धार्मिक चिंतन, इसलिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन किम करोमि किम कर्मेति कवियो प्यत्र मोहिता, किम कर्मेति कवियो प्यत्र, क्या करना चाहिए और क्या कर्तव्य है इसमें बड़े बड़े लोग भूल कर बैठते हैं। द्रोणाचार्य भीष्मतामे अश्वत्थामा ये सब इसी बात के तो शिकार हो गए ना कि ये यही नहीं जान पाए कि हम जिसे धर्म मान करके कर रहे हैं, जिसके कर्तव्य मान करके कर रहे हैं, वस्तुतः वो श्री कृष्ण की दृष्टि में वो कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण ने उनको कर्तव्यशील नहीं माना, उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे शस्त्र चला दूं, बताइए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हत्वा एते आतताइना, ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई धर्मात्मा नहीं, सब आतताई है, खत्म करो इन सबको, इनको बगैर खत्म किए तुम धर्म की ध्वजा लहरा ही नहीं सकते, ये बाधक है। कभी कभी हम सोचते रहते कि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन हमारे सोचने से हम धर्मात्मा नहीं हो जाते, भगवान की दृष्टि में तुम क्या हो। अच्छा आप सोचो, रावण भी अपने आप को क्या सोचता होगा, क्या रावण अपने आप को राक्षस मानता होगा? उसके यहां पर अभिषेक चलते हैं, उपासनाएं इतनी होती हैं। वाल्मीकि रामायण में पढ़ो, सुबह सुबह लंका में वेद की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, संध्या करते थे वहां पर लोग। हनुमान जी महाराज गए तो उनको वेद मंत्रों की ऋचाएं सुनाई पड़ी मंदिरों से, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। हम पूजा करते हैं, पूजा में बलि देते हैं, अब एक तरह से वो पूजा है, अब पूजा में जो बलि है अपने यहां तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ और ऐसे जो ग्रंथ आ गए, इन ग्रंथों ने हिंसा से बचा लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत के तो चतुर्थ स्कंद में ही नारद जी महाराज पहुंच गए प्राचीन वर्य के पास कि क्या कर रहे हो राजन, तुमने यज्ञ के बहाने ही सही तुमने जिन जिन जीवों को मारा है वो सब तुमसे बदला लेंगे। इसलिए कभी कभी सात्विक विचारधारा भी, सात्विक रूप में भी माया हमारे सामने आती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अश्वत्थामा हता, बोलो युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हता। अब उसको लगता है कि मैं तो सत्य बोलता हूं और ये तो पता नहीं क्या कृष्ण ने किया हो, तो ये क्या है? श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है धर्म की स्थापना, ये तो धर्मस्ततो जया, उसमें तो युधिष्ठिर जी का ये सत्य बाधक ही बन रहा है ना, इसलिए श्री कृष्ण जी को फिर अपना एंगल उठाना पड़ा, शंख बजाया भगवान कृष्ण ने, युधिष्ठिर का सत्य नहीं चलने दिया। तो कभी कभी हमारे जीवन की तरक्की में बाधक, ईश्वर की प्राप्ति में बाधक सत्वगुणी भी माया होती है, वो भी माया होती है। आप देखो श्रीमद् भागवत में जड़भरत जी महाराज को क्या हुआ, जड़भरत जी महाराज दया कर रहे थे, दया करना तो धर्म है ना, एक अगर हिरण के छोने पर उन्होंने दया की तो दया ही की ना, लेकिन नहीं, यही सत्य की माया है, आप जिसे दया मान रहे हो वो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। एक बात मुझे याद है, नौलखी गंज वासुदा की घटना है। एक बार एक कुत्ते के पिल्ले रो रहे थे बाहर, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, तो उनकी रोने की आवाज सुन करके तो वो कोठारी जी जो वहां पर थे वो आए, कहा महाराज जी, बोले हाँ, बोले वो कुत्तिया थी ना एक रहती थी, वो मर गई, उसके बच्चे रह गए। तो महाराज जी ने कहा अरे राम राम, माँ खत्म हो गई, बच्चे कैसे रहेंगे, एक काम करो उनको अंदर रख दो कोने में, दूध दूध दे दिया करो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब दे दिया, उसको दूध दूध देने लगे और उसकी सेवा होने लगी।
उसके बाद में फिर वो लगभग 2-3 महीने हुए, कुत्ते के पिल्ले थोड़े बड़े हो गए, अब हल्ला करने लगे। क्या है ये? कब हमारे तो वही बच्चे हैं, बाहर करो, बाहर करो उनको। जब तक दया की जरूरत हो तभी तक दया करो, और जब वो बाधक हो जाए तो हटाओ, बाहर करो। अब ये थोड़ी क्या बाबा आपने पाला है तो न करने दो हल्ला। ये जो है सत्य की माया, इसलिए इसको उन्होंने निराकरण किया, कहा हटाओ जब तक जरूरत है। अब महाराज जब तक मां नहीं थी, उस हिरण के बच्चे को पालना श्रेयस्कर था, ठीक था कि वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जो ही वो सयाना हो चुका था, जड़भरत जी महाराज को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो उसी की आसक्ति में उन्होंने शरीर त्याग किया। परिणाम यह हुआ अंते मति सागति। इसलिए गोविंद भगवद गीता में कहते हैं कि अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा स्मरणम उक्त्वा कलिंगम। अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिंगम, अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए ही शरीर का त्याग करो। उन्होंने महाराज हिरण का चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया, परिणाम यह हुआ कि वो हिरण योनि को प्राप्त हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसलिए सतोगुणी माया, सुरसा क्या है? सतोगुणी माया। ये सतोगुण भी तुम्हारी प्रगति में बाधक हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने क्या किया? कृत्वा दैत्य वधम कृष्णा सरामो यद्भिर्वृता भुवोवतारयद् भारम जनेन स्वजनम कलये। पहले तो नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने मदोद्दत कौरवों का वध करने के लिए देवताओं को यदुवंश के रूप में उतारा, और जब वो कुरुवंश समाप्त हो गया, आतताई समाप्त हो गए, यदुवंशी ही मदोद्दत होने लगे, तो भगवान ने कहा बेटा अब तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं, तुम भी चलो अपने अपने घर, उन्हें भी भेज दिया। इसलिए शतोगुण, शतोगुणी भी एक माया है, और ये शतोगुणी माया अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो इस माया से कैसे निपटना चाहिए, इसका तरीका हनुमंत लाल जी महाराज यहां बताते हैं। जाते पवन सोते देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विषे, जाने कहूं बल बुद्धि विषे। और फिर वो देवी सामने आ गई, सुरसा नाम अहने की मां, सुरसा नाम अहने माता, पठयन आए कही ते ही बात, पठयन आए कही ते ही बात। सुनत बचन कहे पवन कुमार, राम का करी दीने राम काज करी फिर में आओ, सीता कहीं
सीता कर सुखी प्रभु सुना।